ये पास्ट इन द प्रेजेंट जो चैप्टर है वो सेकेंड यूनिट का सिक्स्थ वन चैप्टर है, जो सेकेंड यूनिट है उसका सिक्स्थ वन चैप्टर पास्ट इन द प्रेजेंट है। उसमें बस ये बोला है कि जो ये लेसन में इतना ही बोला है कि जो पास्ट जो प्रेजेंट में हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, अगर उसे खेलने जाना है लड़के को बाहर, और बाहर खेलने के जाने का तभी मम्मी ने काम बोल दिया उसे, उसकी मदर ने काम बोला कि पहले रूम साफ करो, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको बाहर खेलने जाना है और आपको आपके मदर ने बोला पहले इसका इतना घर का काम कर ले, इतना रूम साफ कर ले, फिर बाद में खेलने को जाना, तो आपको मन में कैसे गुस्सा आएगा? हाँ, तो वैसे ही पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में भी होता है। तो पास्ट में सपोज अगर सपोज वो एक सॉन्ग सुना होगा तुमने, आई माला ख्याल जाऊं दे, उसमें वो बच्चा पूरा काम कर लेता, वैसे इसमें भी बताया हुआ है पास्ट में बच्चा पूरा काम कर लेता है और फिर बाद में मदर को बोलता है अभी मैं खेलने को जाऊं क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन। हमारा पहला वाला है वार्मिंग अप। वार्मिंग अप का फर्स्ट वाला है, वी फाइंड द फॉलोइंग इन द स्क्रिप्ट ऑफ और अप और प्ले, रीअरेंज द स्टेप्स इन द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट देम डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। अभी इनको रीअरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, 1 2 3 4 5, और तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट तुम्हें समझता होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी आपकी प्रीति, कौन सी वाली स्क्रीन है? व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन जो है, जो व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन है, व्हाइट बोर्ड मैंने निकाला है अभी। अब व्हाइट बोर्ड में सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना है, तो सबसे पहले देखो उस सीक्वेंस में पहले दिया है, कलर डिफरेंट चूज कर लेता मैं, ब्लैक वाला बॉर्डर के लिए। ऐसी बॉक्सेस है कितने, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 बॉक्सेस पहले ही बना लेता हूं, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 6 वाले 6 बॉक्सेस हमने बना लिए हैं। ओके, अभी इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे डाउन एरो देंगे, फ्लो चार्ट में डाउन एरो से कनेक्टेड रहता है ना, आपको तो पता ही होगा, ये क्लास में बताया ये मैंने, फ्लो चार्ट ऐसे डाउन एरो से, जैसे कंप्यूटर में होता है, ये कंप्यूटर में बेसिकली फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, हमें पता है। अभी सबसे पहले वाले बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, टाइटल। ओके, टाइटल ये दिए हुआ है आपको, आपको देखना है तो कौन से वाले, इसमें ये वाला जो लाया हुआ है मैंने टाइटल, ये आएगा फर्स्ट इसमें। अब सेकंड इसमें हम लिखेंगे हमारे, इसमें सेकंड इसमें कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टर्स ये सेकंड वाले बॉक्स में आ जाएंगे हमारे, इसमें कैरेक्टर्स का पे कैरेक्टर्स, ये सेकंड वाला बॉक्स। अब थर्ड वाले बॉक्स में हमेशा आता है सीन आता है, पहले कैरेक्टर स्केच होता है किसी भी चीज का, किसी भी पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने से पहले, सबसे पहले हम टाइटल एक्सप्लेन करते, फिर मैं कैरेक्टर स्केच एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी स्टोरी का अगर एक्सप्लेनेशन देने का होगा तो। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या आएगा, सीन, इट्स नॉट SCENE, सीन। तो थर्ड वाला पार्ट भी हो गया है, थर्ड वाला पार्ट आपके इसमें इधर मिलेगा, थर्ड वाला पार्ट सीन। शुभम इज ऑल्सो हियर विद अस। ओके, सीन। नाउ द फोर्थ पार्ट इज दैट ऑफ, क्या है, डायलॉग रहते हैं, डायलॉग। योर वॉइस इज कमिंग बट इट्स वेरी लो प्रीति, तुम बोल रहे हो पीछे से आंसर्स, डायलॉग्स। ओके, डायलॉग्स। अभी नेक्स्ट वाले इसमें क्या होगा, नेक्स्ट वाले इसमें हमेशा सीन का क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है,
क्लाइमैक्स। ओके नेक्स्ट वाला क्या है, क्लाइमैक्स से। और जो लास्ट वाला है क्लाइमैक्स को तो मार्क कर लेंगे, फिर बाद में फिर पर्दा गिरता है, कर्टेन, शो खत्म होता है। एक्चुअली इन्होंने स्टार्टिंग में क्या देना चाहिए था, पर्दा ओपन होता है, पर इन्होंने नहीं दिया, क्या है, कर्टेन। अब इस फ्लो चार्ट का मैं क्या करता हूँ प्रीति, फोटो ले लेता हूँ और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ 9th स्टैंडर्ड का, मतलब बच्चों को और समझ में आएगा, बच्चों को समझ में आएगा बोले तो आपको भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये है फ्लो चार्ट डाल दिया मैंने ग्रुप के ऊपर अभी। ओके अभी हमारा ये इसका काम हो गया, अभी नेक्स्ट वाला है चीज क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा। थिंक ऑफ अ प्ले पब्लिक स्किट विच यू हैव सीन इनएक्टेड ऑन द स्टेज एंड इट हैज इम्प्रेस्ड यू, राइट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द अबाउट इट। अभी कोई भी प्ले कराऊंगा, सपोज नेम ऑफ द प्ले पब्लिक स्किट, तुमने कौन सा करा था, वर्ल्ड ट्री प्लांटेशन डे के टाइम स्किट करा था, याद है? सो ट्री प्लांटेशन डे विल बी टाइटल, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से थे, अभी वो बच्चों के नाम नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तुमने क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में कि कैसे हम कचरा करते हैं, कैसे हम गाड़ी लेते हैं, जैसे प्रतीक ने न्यू गाड़ी ली थी BMW और बोले वो पर्सन बोल रहा था कि एवरेज बहुत कम है माइलेज तो तुमने नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये पोल्यूशन ज्यादा फैलाएंगी, तो प्रतीक बोलता है हमारे पास पैसे है तो उससे क्या हमें। So in short we are harming the environment, ये था। Any famous actor or actress, सब तो स्कूल के बच्चे थे तो कोई famous actor actress नहीं थे, तभी तुम लिख सकते थे शाहिद कपूर वगैरह जो हमारे स्किट में हमारे साथ था बोल के। तो थीम क्या थी वो ट्री प्लांटेशन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। क्लाइमैक्स क्या था उसके बाद, क्लाइमैक्स वो रहेगा कुछ क्लाइमैक्स तुमने बताया नहीं सर कि कैसे हम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, कैसे एनवायरनमेंट उल्टा हमारे ऊपर आएगा। एंडिंग तुम एंडिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज बताते, यूज लाइट ऑफ स्पेशल इफेक्ट कुछ नहीं दिया था, वो तो डे टाइम का था। यूज ऑफ बैकग्राउंड, ये एनुअल डे के टाइम जो हुआ था वो भी लिख सकते हो तुम, वो इसमें पेजेस वगैरह था, बैकग्राउंड म्यूजिक भी था, सेट्स भी था उसमें, कॉस्ट्यूम कुछ अलग से पहना था क्या, फ्रेंडशिप के ऊपर, मोबाइल एडिक्शन टू मोबाइल उसके बारे में स्किट दिया था तेजस ने। How well the actor, ये तुम्हारे को सेल्फ ओपिनियन देने का, How well the actor actresses played, the actor actresses played very good, it was having special effect, it was the actor actresses were given real effects in the play of the characters, you have justified to the characters, your opinion about the play तुम लिख सकते हैं अभी मन से, present this point in the form of a review and give a suitable title. मतलब तुम्हें अभी इस जो प्ले बनाया है ऊपर उसके ऊपर ही रिव्यू करना है और तुम्हें उसको सुटेबल टाइटल देना है कि तुमने जो स्किट करा था कोई भी स्किट स्कूल में वो तुम ले सकते हैं। अभी प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वन स्लाइड फॉर ईच ऑफ द अबव पॉइंट्स, प्रेजेंट योर रिव्यू इन PPT फॉर्म, दिस कैन बी अ प्रोजेक्ट। PPT बनाने को सिखाना पड़ेगा तुम्हें, अपन स्कूल में क्लास में करेंगे ये PPT का पॉइंट। अब ये क्या है, द पास्ट इन द प्रेजेंट, दिस इज अ स्किट, नील कैरेक्टर्स है, देखो नील है, फिर 1950 नील्स ग्रैंडपा, फिर 1910 में नील्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, 1800 बॉय में डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा, 1500 में डबल डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा, 1000 में ट्रिपल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा, और फिर 1000 में ट्रिपल ग्रेट ग्रेट, ऐसे बहुत सारे ट्रिपल ट्रिपल एंसेस्टर में नील एंसेस्टर 5000 इयर्स अगो, मॉम नील्स मदर बोली हुई है लेडी 1950 1910, सबके मतलब ये सब जो दिए हुए इनकी यहाँ पे मदर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके अभी नेक्स्ट वाले सीन में है, अब सीन क्या है, a typical teenage boy rooms in a messed up state, I put the dishes in the dish waiter,
as you asked me to. Now I going मैं मेरे मतलब मैंने पूरा काम कर लिया घर का, अब मैं खेलने को जाऊँ क्या? अब उसकी मॉम इन अ मॉडेस्ट आउटफिट, मतलब पूरा घर के कपड़े कैसे रहते हैं वैसे आउटफिट में. अब मॉम बोलती, यू हैवंट क्लीन्ड अप योर रूम, तुमने तुम्हारे रूम की सफाई नहीं करी हुई. तुम बोल रहे हो खेलने को जाने का है, पर तुमने तुम्हारे रूम की सफाई करी क्या? नहीं करी. नील बोलता, आई क्लीन इट ओनली 2 days अगो, मतलब 2 दिन पहले ही मैंने साफ करा था, आज के फिर से साफ करने की थोड़ी जरूरत है, गंदा नहीं हुआ है कुछ भी. मॉम हैव यू क्लीन इट एवरी डे, तुमने रूम की साफ सफाई रोज करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. नील पिकिंग अप हिज बुक क्लोथ्स हेडफोन एक्सेट्रा फ्रॉम द फ्लोर फ्रॉम बेड एंड पुटिंग देम इन द प्लेसेस, इट इज नेसेसरी टू क्लीन अप एवरी डे, व्हाट इज द डिफरेंस डज इट मेक्स. उससे क्या होता है तभी रोज साफ सफाई करने से? तो मॉम बोलते हैं, इट डज, इट बिल्ड्स अप द राइट हैबिट्स एंड राइट एटीट्यूड. वो तुम्हें राइट हैबिट लगाती है और राइट एटीट्यूड तुम्हारे अंदर बिल्ड होते हैं. मेरा आंसर है, तुम रोज खाना खाते हो तो साफ सफाई क्यों नहीं डेली करना? गांधी जी का मिशन फॉलो करो, स्वच्छ भारत बोलते, नरेंद्र मोदी जी का है. अब नील के बारे में, कट्स हर शॉर्ट्स. ऑल राइट, आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर्स व्हेन स्कूल इज ऑन, मतलब स्कूल चालू रहती है तब मुझे बहुत सारे लेक्चर मिलते हैं टीचर से. तुम एडिशनल लेक्चर मत दो, ऐसे मम्मी को बोलते हैं, ऐसे पापा के सामने नहीं बोल सकते, हम डैडी को नहीं बोलेंगे कि तुम लेक्चर मत झाड़ो हमारे ऊपर. अगर डैडी को बोलेंगे डैडी उधर ही फटके मारेंगे, पर मदर कैसी कुछ बोलती नहीं है तो मम्मी के सामने कुछ भी चल जाता है हमें. मॉम आफ्टर नील फिनिशेस हिज चोर्स, मतलब उसकी एक्टिविटी रूम की साफ सफाई, दैट लुक मच बेटर नाउ बट यू फॉरगेट टू मेक योर बेड. अभी तुमने बेड साफ करना वो साफ नहीं किया, अभी तक बेड सजा के नहीं रखा तुम्हारा. तुमने बेड बराबर रखना चाहिए, उसमें गद्दा तकिया सब चद्दर ब्लैंकेट सब जगह पे ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा मेस्ड अप चाहिए. मॉम बोलती है, डू दैट एंड यू मे गेट आउट. तुम वो करो और तुम को जहाँ पे खेलने को जाने का है वहां पे जाइए. ऐसी मॉम नील को बोलती है. अब नील इरिटेटेड हो जाता, बहुत गुस्सा हो जाता था. मॉम इट्स गेटिंग लेट, वो मॉम को चिल्ला के बोलता है, इट्स गेटिंग लेट नाउ, गुस्से में आता है. द बेड इज गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन, वो फिर से मेस्ड अप होने ही वाला है, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, जो प्रेशियस टाइम है क्यों मैं वेस्ट करूं और फिर से बेड फिर से सजाऊ, ऐसे नील बोलता है. मॉम दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, आई हियर्ड अबाउट योर ग्रैंडपा. अभी वो व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स ही हैड मोर डेली चोर्स टू फिनिश, मच टफर वंस देन वंस टू, मतलब अब उसने अब नील की मॉम को कुछ नहीं हो रहा था बोलने के लिए, तो नील की मदर बोलती है, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे ग्रैंडपा तुम्हारे, उनको वो टाइम पे कुछ ऐसी फैसिलिटी वगैरह नहीं थी, उनको तुम्हारे से ज्यादा काम करना पड़ता था, तभी वो कंप्लेन नहीं करते थे. अपने ग्रैंडफादर से कुछ सभी सीखो, ऐसी वो बोलती है. मॉम ऑन दैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिम फर्मली, ओके उसकी मम्मी ने मतलब ऐसी जब वो टीनेज में थे तब वो ऐसी उनके मदर को बोलते थे, पर उनकी मम्मी ने फर्मली उनको कुछ तो भी कहा. क्या कहा? अभी हम वो जनरेशन में जाके देखेंगे, कब? 1950 में, वो एरा में जाके देखेंगे 1950 में. ओके पहला वाला पार्ट समझ गया? अब 1950 अ टीनेज बॉय from 1950 wearing loose trousers and shirt enter with his mother in silk sari. silk sari mein uske mummy ke sath enter hota hai the boy's mother. ab mummy wo time pe bhi wahi bolti hai, make your bed before going out. wo bacche ko khelne ko jane ka rehta par uski mummy rokti hai use, aur uski mummy kya bolti hai, bhaiyar jane se pehle tumhara bistara saaf kar lo pura, क्योंकि बिस्तरा तो पूरा मेस्ड अप रहता. देखिए बहुत सारी चीजें पड़े रहते हैं, हमारे हेडफोन्स हमारे लैपटॉप्स हमारे मोबाइल्स बुक्स बहुत सारे चीजें ऐसे बिखरे हुए पड़े रहेंगे हमारे बिस्तर पे हमारे सेपरेट रूम में रही तो. अब 1950 के टाइम भी बॉय क्या बोलते थे, बट मम्मा आई हैव ऑलरेडी वॉटर्ड द गार्डन ब्रॉट होम द ग्रोसरीज डस्टेड द लिविंग रूम क्लीन माई बाइसिकल्स, कितना काम करा उसने. नाउ वाई डू आई नीड टू मेक माई बेड, पर बेड साफ करना क्यों जरूरी है? अब मम्मी बोलती है बच्चे को, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंडफादर, मतलब
नील के जो ग्रैंडफादर है उनके ग्रैंडफादर जब टीन्स में थे तो उनकी स्टोरी अब मम्मी बता दी है। हाँ, अब फिर से पास्ट में चले गई, द 1950s बॉय एंड मदर रिसीट्स एंड स्टैंड बिहाइंड एंड 1910 बॉय एंटर ड्रेस्ड अप। ये 1950 का ये बॉय था, ये 1950 की स्टोरी थी, अब ये 1910 का हम ये वाला कर रहे हैं, ये वाला है। तब तो ऐसी ड्रेस पहनते होंगे, तब को थोड़ी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह ऐसे रहते होंगे बच्चों के। अब 1910 मदर, यू कांट गो अनलेस यू मेक ए बेड। मतलब ये जनरेशन की प्रॉब्लम, पूरे हर जनरेशन में सवाल उठता है। अभी लेटेस्ट में नील को भी ये बोला, तुम खेलने से पहले है ना तुम्हारा बेड ठीक करो। फिर बाद में नील के ग्रैंडफादर थे 1950, उनको भी खेलने से पहले अपने बेड की साफ सफाई करनी पड़ती थी। और 1910 का जो बॉय था उसकी मदर भी यही बोलती है उसे। अब 1910 का बॉय बोलता, मम्मी आई फेच वाटर एंड फिल्ड अप द पॉट्स, स्वेप्ट द टेरेस, कलेक्टेड वुड्स फॉर द स्टोव, क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन्स। अभी इतना सारा मैंने काम करा है पर मैं ये काम वापस क्यों करूं? अब नील टू हिज मॉम, अब नील बोलता है, व्हाट आर द ग्राइंडिंग स्टोन्स? अब नील पूछता है ग्राइंडिंग स्टोन्स क्या रहते हैं? यस, दे डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर इन दिस डोन इन दोस डेज। ग्राइंडिंग स्टोन, अब इधर देखो, आपको ये नेक्स्ट वाली स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, उधर मैं पिक्चर डालता ग्राइंडिंग स्टोन का, आपने अगर देखा नहीं होगा तो। ये वाला होता है ग्राइंडिंग स्टोन। पहले आटा गुनने के लिए, अभी हम गेहूं पीसने के लिए क्या काम करते हैं, हम जाते हैं गिरनी में, जाते हैं गिरनी से गेहूं पीसते हैं, उसका आटा बनाते हैं और फिर बाद में उसकी चपाती बनाते हैं। पहले ये ऐसे टाइप की मशीनरी रहती थी जिसमें आटा गुनना पड़ता था। ये जनरली जेल में पाई जाती है और पुराने विलेजेस में पाई जाती है। चक्की पीसिंग। अब नील पूछता है, उसे पता नहीं है, तो नील पूछता है ग्राइंडिंग स्टोन क्या रहता है, तो उसकी मम्मी बताती है, नो इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोस्ट ऑफ टाउन्स ऑफ द सिटी इन इंडिया देन। वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी इसलिए ग्राइंडिंग स्टोन यूज होता था। अब नील सरप्राइजली लुक होता है, नील का फोटो दिया है कि इधर नहीं दिया है। अब 1910 का बॉय फिर से बोलता, आई प्रॉमिस टू गो आउट टू द रिवर साइड विद माई फ्रेंड। मैंने मेरे दोस्तों को प्रॉमिस करा है कि मैं ये टाइम पे अपने रिवर साइड में आ जाऊंगा। वाई डू आई हैव टू मेक बेड नाउ, ये रोज रोज करना जरूरी है क्या? तो बॉय की मम्मी बोलती है, लेट मी टेल यू अबाउट द ग्रेट ग्रैंड फादर। अभी ग्रेट ग्रैंड फादर परदादा, मतलब नील के दादा, उसके दादा और उसके दादा के परदादा, उसकी स्टोरी बता रही वो। हु लिव्ड इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी इज द पीरियड फ्रॉम 1801 टू 1900। ये है 19th सेंचुरी व्हेन ही वाज यंग। 1910 बॉय एंड मदर रिसीव टू वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड्स। 1800 बॉय एंटर्स इन धोती एंड कुर्ता एंड स्मॉल टर्बन। मतलब पगड़ी दिया है इधर, ये 1500 बॉय है ना, 1000 बीसी वैसे दिया नहीं, पगड़ी इधर फोटो नहीं दिया हुआ है। टर्बन का मतलब पगड़ी होता है। विद हिज मदर इन अ 9 yard साड़ी। 9 yard साड़ी बोले तो एक लंबी सी साड़ी जो 9 yard आ जाए। एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी। 1800 मदर बोलती, सन मेक एवरीवन्स बेड, जा सबका काम करो। अभी सिर्फ ये नहीं बोलती कि सिर्फ तुम्हारा ही बेड बनाओ, अभी सबका काम खुद करो, सबका काम भी तुम करो। अब 1800 बॉय, मदर डियर I have washed clothes at the river and put them up to dry. कितना काम कर रही है। I also chopped the wood, fixed the broken fence, took the goat up the hill to graze. I want to play atapatya. Atapatya game रहता था पहले के time पे. With my friends, why do I have to make beds? अभी हम atapatya के बारे में देखेंगे कुछ। इधर है क्या atapatya? Atapatya game. से कुछ इमेज है क्या गूगल पे? ये तो खो खो खेल रहे हैं। आटा पटा इज नॉट लाइक दैट गेम। अब आटा पटा इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट प्लेड 9 टू अ साइड।
between two sides is it's more popular in rural areas. It is more commonly played in Maharashtra, a western India state. Atapata is described as a game of feint. The playing area comprises of 9 trenches coming out of either sides to a central trench. Points awarded by blocking process across I think इसको ही बोलते होंगे आट्या पट्या ये तो हॉकी लेके आया है ये तो आशीर्वाद दे रहा है उसे इसमें तो नहीं है और ट्रेंच बताया ना तो यही होगा आट्या पट्या 9 ट्रेंचेस तो दिस इज आट्या पट्या गेम मुझे आट्या पट्या खेलने जा रहा है द बॉयज मदर दैट्स योर डेली वर्क Your great grand great 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 grandfather, abhi great 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 grandfather ke pas chale gaye. Did even more. Now go and make the bed. Matlab 1800 boys. Ye series khatam hi nahi hone wala lagta mere hisab se. 1800 boy and mother resits to where the previous pair stands. Enters 1500 boy dressed in loose sleeves, V neck, top and short dhoti. I think ये वाला 1800 boy था और ये वाला 1500 boy फिर 1000 वाला boy कहाँ गया कहाँ पढ़ रहा था 1900 हो गया था ना 1500 boy and his mother receipts enter नहीं Over 1500 boy, mother resits to V-neck top and short dhoti in the mother's 9-yard sari. ये वाला ही है 1800. मतलब उससे पहले वाले boy की कुछ image दी नहीं थी उन्होंने. Neil and his forefather of mine is from mom the 16th century. 16th century again the period 1501 to 1600. इसको 16th century बोल रहे हैं. 1500 boy. My dear mother, I have already milked cow. Then take them to graze fresh vegetables from our farm. ये इसने बहुत सारा काम करा है अब ये कौन सा गेम है अष्टपड़ा विद संपत भाऊ नाम है संपत भाऊ अष्टपड़ा ये गेम के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या अष्टपड़ा ये वाला अष्टपड़ा ये वाला गेम है अष्टपड़ा का चंपक भाव के साथ खेलना है उसे एंड महादेव भाव व्हाई शुड आई मेक माय बेड नाउ मतलब ये हर जनरेशन में क्वेश्चन है कि मैंने मेरा काम क्यों करना चाहिए बेसिकली द बॉयज मदर व्हाई डोंट यू टॉक व्हाई डोंट टॉक बैक Think of your double great 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 grandfather. अभी great great grandfather के पास चले गए. 1500 boy enter होता, फिर 1000 BC boy बोलता उसने बहुत सारा काम करा. 1000 boy, 1000 century वाले boy ने बोला बहुत सारा काम करा. और वही सवाल कि मुझे अभी वो bed बनाने की जरूरत क्या है? तो mother बोलते हैं, Do not grumble to your son, your triple great 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 grandfather. अब ट्रिपल ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी है फिर से वही सवाल और मम्मी फिर से बोलती है तुम्हारी जो एंसेस्टर है 3000 इयर्स अगो वो उनके तुम्हारे डबल काम रहता था और ये ओके फिर बाद में एंड में आता है नील फिर से Neil bolta okay so young teenage boy teenage boys have had the course to do outdoor as well as indoor homes mom very much so absolutely right I wish I had a robot to make my bed and tidy my room mom nothing is impossible if you try you can make such a robot tum sochte ho to bana sakte ho but even that you need to work hard uske liye bhi tumhare ko hard work karna hi padega robot banane ke liye the bottom line go and make your bed zyada bakwas mat karo idhar udhar ke jaake tumhara bed saaf karo I see uski mother bolti hai to abhi next question hai in the diagram below
encircle the various features that make a script of a skit play. List the other words and mention the right up which is the feature. क्या क्या दिए हुए हैं? सेंटर एड्रेस ये आता है ना तुम्हें ये सब. लीड लाइन. अब लीड लाइन सबसे पहले आता है. लीड लाइन क्या है? न्यूज रिपोर्टर रिपोर्ट की फीचर रहती है. लीड लाइन इज अ फीचर ऑफ अ न्यूज रिपोर्ट. सैल्यूटेशन एंड सेंडर्स एड्रेस फीचर ऑफ लेटर. डायग्राम इज अ फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. ये वाला मैं सेंड करता है. ये वाला क्वेश्चन जो है वो ग्रुप पे अभी टाइप करके सेंड करता हूँ मैं. ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव. The proper alternative to complete the following. The skits cover a period about 5000 years ago. Years. Dash character from the Neil's ancestor lineage makes an appearance. कितने कैरेक्टर रहते हैं? टोटल नंबर ऑफ 7 कैरेक्टर्स रहते हैं ना. 7. ओके. द टास्क दैट ऑल बॉयज हैड वाज मेकिंग देयर बेड्स. उनको एक ही काम बोले थे, बेड बनाओ अपना खुद का. द स्किट कन्वेज दैट डूइंग योर डेली चोर्स inculcates a sense of responsibility. One other responsibility aayenge. Ab fill in the blanks. Babre, in the blanks. Ye bhi I think mujhe hi dena padega. Baad mein. Likh ke tum logo ko. Ye group pe dalta hu abhi main. Ye to bahut bada hai. Type karne ko time bhi lagega tum logo. Ye next wala question kya hai? Answer in your own words. ये वाला आ जाएगा I think. प्रीति, प्रीति तुम्हारे पास बुक है क्या? क्या बोल रहे? टाइप करो ना चैट में आंसर. आपकी आवाज नहीं आ रही प्रीति. ये आपको होमवर्क करना है. कितना वाला? ये कर सकते इन द प्ले टू डिवाइसेस that make use of wheels with its ancestor are given. The devices are कौन से devices है उसके ancestor wheels बनाते थे उसके तो उससे वो दिए हुए ऐसी बोल रहे हैं वो ऐसे कौन से devices थे. पहले वाले हैं बाइसिकल. हाँ, दूसरा वाला आंसर क्या है? ग्राइंडिंग स्टोन. उसमें व्हील्स यूज होते थे. व्हील्स के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी है वो तो इंटरनेट से ढूंढनी है. इमेजिन दैट द एंसेस्टर फ्रॉम 1910 सी विजिट नील इन हिज ड्रीम कंपोज अ डायलॉग. डायलॉग राइटिंग बनाना है तुम्हें. Imagine and compare an argumentative dialogue between the mother of 20th century to 21st century. फिर से अगेन डायलॉग राइटिंग. ये अभी क्वेश्चन नहीं है बोर्ड में. Nonetheless, मैं डालूंगा. Read the entry about the voice in the language study. Page note that a speech of all boys are in active voice. ये अभी डाल देता हूँ मैं. आप है ना active group पे तो अभी डाल देता हूँ मैं फिलहाल में. पहले तो आपका ही काम करता हूँ. फिर थिंक ऑफ अ सुटेबल नेम ऑफ द बॉय फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी. कोई भी एक महादेव भाऊ. हाँ, फ्रॉम 5 to 8 ट्रांसलेट द प्ले इनटू योर मदर टंग. ये भी एक्टिविटी बेस्ड है. और ये द स्टोरी ऑफ एम्बुलेट बाय ई
नेस्बाइट। सो दिस वाज द लेसन। अभी कल हम सिल्वर, कल परसों हम सिल्वर पोयम चालू कर देंगे। ओके ब्रेडे, ओके बाय, आई एम एंडिंग द मीटिंग। हां Thank you.